गाइस, सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय मॉर्निंग रूटीन। सो इस घर में शिफ्ट होने के बाद क्या क्या चेंजेस आ गए मेरे मॉर्निंग रूटीन में, मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो फिर बिना वेट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मॉर्निंग का मेरा सबसे फर्स्ट काम होता है ओपनिंग अप माई ब्रेड्स। मैं अपनी प्लेट्स को ओपन अप करती हूँ एंड देन बन बना लेती हूँ, बिकॉज अगर मेरे प्लेट्स मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। एंड बन बनाने से ना जो डस्ट होता है ना वो मेरे बालों से अट्रैक्ट भी नहीं होता है। आफ्टर दैट क्लचर लगाने के बाद फर्स्ट थिंग आई डू इज़ लाइक क्लीनिंग अप माई बेड, दैट इज़ फोल्डिंग माई शीट्स, ब्लैंकेट्स वगैरह, जिस जो जो इस रूम में सोता है, लाइक मैं और दी शेयर करते हैं रूम ये वाला, तो मैं अपने अभी ब्लैंकेट्स को फोल्ड कर रही हूँ एंड देन सारा बेड को मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर दी। After that, I'll just quickly go to the washroom and just freshen up, because freshen up मुझे उठते ही एकदम जाना होता है and उसके बाद मैं brushing करती हूँ। so अच्छे से मैं ब्रशिंग करती हूँ एटलीस्ट फॉर 1 to 2 minutes, लाइक 1.5 minutes। अपने फेस को सिर्फ नॉर्मल प्लेन वाटर से वॉश कर लेती हूँ, बिकॉज सिंपली मॉर्निंग टाइम में मुझे फेस वॉश यूज करना नहीं पसंद है। ब्रश होता है ना, मैं इसी से अपने लिप्स को भी एक्सफोलिएट कर लेती हूँ, सो दैट कि मेरे लिप्स पे जो डेड स्किन सेल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है ना वो भी थॉरली वॉश ऑफ हो जाता है। मेरा काम शुरू होता है डूइंग चोर्स ऑफ आर हाउस, दैट इज क्लीनिंग आर हाउस दैट ऑफकोर्स। तो इसके लिए सबसे पहले मैं स्वीपिंग कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि घर सेट करने से पहले मैं झाड़ू लगा लूँ तो सबसे बड़ा काम मेरा ऐसे ही फिनिश हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से मैं स्वीपिंग वगैरह कर लेती हूँ। सो कभी कभी मेरी दी कर देती है, कभी कभी मैं कर देती हूँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मूड। तो उसके बाद मैं करने स्टार्ट करती हूँ, दैट इज लाइक डस्टिंग आर होल एरिया। किचन में, सो किचन के फ्लोर को भी एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो गैस एरिया साइड पूरा मैं अच्छी तरीके से इसे क्लीन कर दी।
नाउ इट्स टाइम फॉर पोछा। तो मैं अच्छी तरीके से अभी भी बैठ के पोछा लगाना पसंद करती हूँ। ऑल्दो मैंने ऑर्डर कर दिया है वो स्टैंड वाला पोछा, बट मुझे ऐसा फील होता है ना कि यार टाइल्स को ना अच्छी तरीके से आपको छोटा छोटा एरिया देख के क्लीन करना चाहिए, एंड दैट्स द रीज़न मुझे लाइक बैठ के ही पोछा लगाना ये वाला ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं अपना DIY फेस पैक बना रही हूँ, जिसमें मैंने चंदन पाउडर प्लस नीम पाउडर ऐड किया। ये बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है मेरी स्किन के लिए, बिकॉज इस टाइम पे मुझे बहुत सारे एक्ने हो रहे हैं। क्लीनिंग करने के बाद डायरेक्टली मैं नहाने जाती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यार अब मेरे को बस नहाना है, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। सर सबसे पहले मैं अपनी स्किन को अच्छी तरीके से वेट करूंगी, एंड आफ्टर दैट आई विल यूज़ बायोडर्मा सीबियम पा। ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेस्ट है कि आपकी स्किन बॉडी को क्लेंस करता है, प्योरीफाई करता है, क्योंकि इसमें जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट है जो एक्ने को फाइट करेगा, जिसमें एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है। इसमें DAF पेटेंट है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, स्किन टॉलरेंस थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करेगा। इसमें गिंगोबो बिलोबा एक्सट्रैक्ट है जो कि एंटीऑक्सीडेंट एंड कोलेजन बिल्डिंग से भरा हुआ है। इसमें फ्लूइड एक्टिव पेटेंट है जो आपके पोर्स को क्लॉक होने से बचाएगा। एक नॉन ड्राइंग माइल्ड सोप फ्री क्लेंजिंग बेस है जो आपके ब्लेमिशेस को प्रिवेंट करता है, क्योंकि नॉन कॉमेडोजेनिक है, सो आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से क्लीन करेगा। एंड आफ्टर दैट मैं अपनी बॉडी को भी अच्छे तरीके से हाइड्रेशन प्रोवाइड कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ बॉडी लोशन। सो मेक श्योर कीजिए कि यार अच्छे से शावर लेने के बाद अपने स्किन बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेशन दीजिए। के बाद मैं क्विकली जाती हूँ अपने पोर्च एरिया में, यहाँ पर मैं अपने बालों को अच्छी तरीके से कॉम करके
खाने के तुरंत बाद मैं सारे जितने भी लाइक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के यूटेंसिल्स होते हैं उसे वॉश अप कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है खाने के बाद आपको तुरंत लेटना नहीं चाहिए। सो मेरी तो ये आदत बहुत बुरी थी, तो मैंने लाइक जब से इस घर में शिफ्ट हुई तब से खाने के तुरंत बाद मैं सारे यूटेंसिल्स वॉश ऑफ कर लेती हूँ, बिकॉज किचन को भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड ओपन किचन रहता है तो उसके अंदर यही मेन चीज़ रहती है कि यार अगर मेंटेन रखना है तो हमेशा क्लीन रखना है। वाटर बॉटल्स को फिल कर लेती हूँ एंड इसे भर के रख देती हूँ फ्रिज में। किचन का काम कंप्लीट होने के बाद मैं डायरेक्टली जाती हूँ टेरेस पे, अपने सारे और अपने घर के जितने भी क्लोथ्स होते हैं सारे हैंग करने टेरेस पे, बिकॉज इस टाइम पे रेनी सीज़न है तो कपड़े जल्दी सूखते नहीं होते हैं, ड्राई नहीं हो पाते हैं। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि यार मैं उसे टेरेस पे जाके जितनी देर भी धूप रहती है उतनी देर डाल दूँ। बट आज तो यार बहुत ही भयंकर वाली धूप थी, आप देख सकते हो कि मेरी आँखें तक। सो आफ्टर डूइंग ऑल द स्टेप्स फाइनली मैं अपने रूम में आती हूँ और अपना फेवरेट प्लेस दैट इज़ बैल्कनी में थोड़ा सा इंजॉय करती हूँ, वहाँ बैठती हूँ, थोड़ा सा इधर उधर वॉक करती हूँ। एंड उसके बाद मेरा जो भी लेफ्ट ओवर वर्क होता है मैं उसे फिनिश ऑफ करती हूँ, सच एज स्टडीज़ या फिर तो मेरे यूट्यूब से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना। सो अगर आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। जल्दी से मैं आप लोग के साथ और भी ऐसे रूटीन शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस video.